इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं एक सीक्वेंस का क्वेश्चन जिसमें हमारे पास गिवन है लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस के थ्री। तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। देखो सबसे पहले हमें सॉल्व करने के लिए क्या करना है, ये जो हमारे पास टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस के थ्री गिवन है इसमें हम डायरेक्ट लिमिट नहीं रख सकते, पहले हमें इसे क्या करना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखो अगर हम इसमें डायरेक्ट लिमिट रखते हैं तो हमें क्या गिवन आता है, क्या वो सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा। तो एक बार डायरेक्ट लिमिट रख के अगर हम देखें तो लिमिट गिवन है हमारे लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी टू एन प्लस के वन। अगर हम एन की जगह इन्फाइनाइट रख देते हैं प्लस का वन एंड एन यहाँ पर एन है तो एन की वैल्यू यहाँ पर इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी रखने पर क्या गिवन क्या मिल जाता है, इन्फिनिटी प्लस के थ्री। तो यहाँ से आपकी फॉर्म बन जाती है इन्फिनिटी प्लस के वन अपॉन इन्फिनिटी प्लस के थ्री, जो कि एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, इसका कोई वैल्यू डिफाइंड नहीं होता, इसे हम बोल सकते हैं नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड ये कब मिलता है हमें, जब हम किसी भी क्वेश्चन में डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब देखो सॉल्व करने के लिए सबसे इजी मेथड होता है, जैसे हमारे पास गिवन है लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी टू एन प्लस का वन अपॉन एन प्लस का थ्री। अब देखो क्या करेंगे सॉल्व करने के लिए, यहाँ से ऊपर भी एन है और नीचे भी एन है, यहाँ से हम एन कॉमन ले सकते हैं तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एज इट इज रहेगा। जब हम ऊपर से एन कॉमन लेंगे तो यहाँ पर देखो एन आ जाएगा, ये कितना बचा टू एंड प्लस, और वन से आप जब एन कॉमन लोगे तो वन अपॉन एन, और नीचे से भी आपका n कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पर कितना बचता है 1 एंड प्लस के 3 अपॉन n, ठीक है। इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ से ये n से n कैंसिल हो जाएगा और आपका बचता है लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 2 प्लस का 1 अपॉन n अपॉन 1 प्लस का 3 अपॉन n, क्लियर। अब यहाँ से आप इसमें अब डायरेक्ट लिमिट रख सकते हो, तो देखो डायरेक्ट लिमिट अब यहाँ पर क्योंकि अब हमने इसे सॉल्व कर लिया, अगर हमने पहले जब डायरेक्ट लिमिट रखा तो हमारा क्या मिला था, नॉट डिफाइंड वैल्यू मिला था, और अब हम यहाँ पर लिमिट रखते हैं तो देखते हैं अब क्या मिलने वाला है हमें, ठीक है। नाउ 2 प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी, जहाँ पर n है अब वहाँ पर हम इन्फिनिटी पुट कर देंगे, और 3 अपॉन इन्फिनिटी सभी को पता है 1 अपॉन इन्फिनिटी या 2 अपॉन इन्फिनिटी, किसी भी पॉजिटिव वैल्यू के नीचे अगर इन्फिनिटी आ जाता है तो उसका वैल्यू कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। अगर किसी भी पॉजिटिव वैल्यू के नीचे आपका इन्फिनिटी आ जाए तो उसका वैल्यू 0 हो जाता है, यानी 1 अपॉन इन्फिनिटी इज 0 एंड 1 प्लस का 3 अपॉन इन्फिनिटी इज ऑल्सो बी 0, देन आपका सॉल्व होकर के आ जाता है 2 अपॉन 1 यानी इक्वल टू 2, यानी आपका जो वैल्यू आया है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी टू n प्लस का 1 अपॉन n प्लस का 3 का वैल्यू कितना होगा, 2 होगा। अब देखो सॉल्व करने के बाद हमें 2 मिल रहा है, और हमने अगर जब इसमें डायरेक्ट लिमिट रखा था तो अब हमें क्या मिल रहा था, नॉट डिफाइंड। तो इस तरीके से हम लिमिट के सीक्वेंस के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक और इस वीडियो में आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ, किसी भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस की अगर हम सब सीक्वेंस लें, एवरी सब सीक्वेंस ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, किसी भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस का सब सीक्वेंस ऑल्सो बी कन्वर्जेंट, ठीक है। इसे हम याद रख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है हमारा कि किसी भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस की सब सीक्वेंस कैसे